नमस्कार। सो एमसीसी ने कल अपना प्रोविजन रिजल्ट निकाल दिया शाम को, और देखिए हम अपने क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा बिजी हो गए थे और बात करने में ही समय निकल जाता है, तो वीडियो बनाने का समय नहीं मिला क्योंकि क्लाइंट हमारे, हम लिमिटेड ही लेते हैं, आप सब जानते हैं। बट जिसको जो भी सीट मिलती है, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा बात करना चाह रहा था, इम्पॉर्टेंट भी है। सो अब सुबह से उठाऊँ मैं, और मैं हमेशा, मैंने बोला वो प्रेजेंट करता हूँ जो सब नहीं बोलते। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज तो पहले बाहर कर दिया गया था, तो बचे थे 50। उसमें जो इस साल सबसे बड़ा नया डीम्ड आया था अमृता, और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे इस चैनल के, और मैंने कहा था कि वो कहते आते ही वो सिक्सर मारेगा, और उसने मार दिया है। और 2 लाख क्लोजिंग रैंक पे वो ख़त्म हो गया है, और अगर आप मार्क्स की बात करो तो 421 मार्क्स पे। और यही मेरी प्रेडिक्शन थी, आप प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए पुराने, कि मैंने कहा था कि अमृता 450-450 नंबर या 2 लाख रैंक के ऊपर जाएगा। और इसका नुकसान जो उसे उठाना पड़ा सबसे बड़ा, अगर आप डाउन भी देखोगे, और मैं हमेशा मैं रैंक के हिसाब से बोलता हूँ, राइट, क्योंकि हम जानते ना इस पर रैंक्स काफ़ी सेम मार्क्स पर बहुत बच्चे आपके ऊपर थे। तो जहाँ 2 लाख रैंक पर ये क्लोज हुआ राउंड वन में, वही नॉर्थ का दूसरा, और अदर देन जामिया हमदर्द फॉर श्योर, और जामिया हमदर्द तो आज भी अपनी सेम इमेज कैरी कर रहा है, और रैंक में उसका भी बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है, मार्क्स में तो बल्कि बढ़ोतरी हुई है, 552 से 560 हो गए, लेकिन रैंक में भी वो नॉर्मल में 47,000 से 56,000, तो थोड़ा तो देखिए गिरा है, करेक्ट। लेकिन मौलाना जो है वो काफ़ी गिरा है। सो जो लास्ट ईयर 2,50,000 रैंक पर ख़त्म हो रहा था, इस साल वो 3.5 लाख रैंक तक भी मिल गया है, और मार्क्स की बात करें तो 330 मार्क्स पर भी मिला है। तो काफ़ी लोग, एक्चुअली मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको यू नो वी हैव मेड दैट शॉर्ट लिस्ट, तो 370-380 वाले, और डाउट में आ गए हैं कि सर जैसा आप ही कहते हो कि कट ऑफ इज़ ए सिग्नल ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज, बट मैं एक और चीज़ हमेशा उन्हें समझाता हूँ, द कट ऑफ इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड अपॉन दी प्राइसिंग ऑल्सो। सो DY पाटिल पुणे एक बहुत शानदार कॉलेज है, कोई शक की बात ही नहीं है इसमें, लेकिन बिकॉज ऑफ इज सुपर हाई फी, उसकी कट ऑफ 550,000 रैंक या 251 मार्क्स पे जाती है। तो दैट डजेंट मीन द कॉलेज इज़ ख़राब। अब एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान में इतने फीस देने वाले लोग सारे नहीं हैं। तो जहां हम एक तरफ कहते हैं 18 लाख बच्चों ने नीट दिया था, तकरीबन 12 लाख बच्चों ने नीट क्वालिफाई करा इस बार, राइट, तो 12 लाख बच्चे नीट क्वालिफाई तो करते हैं, लेकिन क्या वो 12 लाख बच्चे या जो फैमिलीज़ हैं, कैन दे अफोर्ड टू टेक अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट? द आंसर इज़ नो, द आंसर इज़ एम्फेथेटिक नो, राइट। तो और ये जो लोग हैं ना, ये भी बटे हुए हैं। सो देखिए फिर से समझिए, नॉर्थ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर प्रैक्टिकली टिल से राजस्थान, राइट, बिकॉज गुजरात से क्या होता है, क्लोज स्टेट स्टार्ट हो जाते हैं, सो इज़ राजस्थान ऑल्सो, बट स्टिल मध्य प्रदेश हम सभी जानते हैं क्लोज स्टेट है, और फिर उसको मेधावी छात्र और बाकी सबका बेनिफिट है। सो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, ये 5, पंजाब, ये सब आप पकड़ लो, तो इन लोगों के पास तो लास्ट ईयर तक खाली डीम्ड में खाली मौलाना ऑप्शन थी, और एक संतोष गाजियाबाद, फिर जामिया हमदर्द। तो आपके अगर 350-380 मार्क्स थे, या आपकी 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख रैंक थी, तो आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हो, तो या तो आप जॉली ग्रांड की तरफ जाओगे या आप मौलाना की तरफ जाओगे। अब कंपटीशन में आ गया इनके अमृता, और मैं हमेशा कहता हूँ, आप उस शब्द सुन के अजीब लगेंगे, बट प्राइवेट कॉलेज तो एक बिजनेस ही है ना। तो अमृता की फीस मौलाना के बराबर ही हो गई है, और शायद मेरी वीडियो सुनकर ही या अब लोग समझ गए कि फर्स्ट ईयर डजेंट मैटर, अगर वो पहला साल अमृता कस्तूरबा जैसे ब्रांड का है, तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। और सिर्फ अमृता ने मौलाना की मार्केट नहीं खाई है, बल्कि अगर हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं, तो ऊपर से अगर स्टार्ट हम हो जाते हैं और हम टोटल कॉलेज गिनते हैं, तो आप ये सोचिए नंबर नाइन पे कट ऑफ में अमृता फरीदाबाद आ गया है, और उसके ऊपर तो बिल्कुल वही है जो हमारी लिस्ट में भी होते ही थे, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है कि तीनों कस्तूरबा के कैंपस, चौथा हमदर्द, JSS, JLN, तो ठीक है ना, मतलब कितना सिंपल हिसाब है। इसके अलावा एक कॉलेज जो डिज़र्व नहीं करता टॉप पे रहना, पर हमेशा आता है, वो है सिम्बियोसिस, जस्ट बिकॉज ऑफ सुपर लो फीस, सो पेरेंट्स उसको पसंद करते हैं। और एक सेम लॉजिक से आता है रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी,
अगेन बिकॉज ऑफ दी लोअर फीस, नॉट बिकॉज ऑफ दी वेरी ग्रेट क्वालिटी. तो जो लोग थोड़े फीस कॉन्शियस हैं वो पिम्स लोनी की तरफ जाते हैं. लेकिन इसको देख लिया जाए तो मतलब ये लिस्ट मोटा मोटी फिक्स है, राइट? तीनों कस्तूरबा कैंपस, हमदर्द, चार बजट भी अच्छा, क्वालिटी भी ग्रेट, ख़त्म. फिर JSS और JLN बेलागावी, बजट इनका थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, 90 और 80, और JLN का तो खैर 80 है तो 6. और नंबर 9 पे सीधा अमृता आ गया है. तो सीधा अमृता MGMs, कलिंगास, यू नो KS हेगड़े, इन सब से सीधा ऊपर आया है. और अमृता कोची भी नंबर 10 पे खिसका दिया है इसने, अमृता फरीदाबाद ने, राइट? और बाकी जितनी डीम्ड है, और उस चक्कर में जो मुलाना है हमारा वो नंबर 23 पे गिर गया है, जो लास्ट ईयर तक थोड़ा ऊपर रहता था. तो फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, कॉम्पिटिशन आ गया उसके लिए. और स्पेशली मैंने बोला नॉर्थ में, तो जो नॉर्थ के बच्चों का भी रहता है ना, हम ही सबको भरवाते हैं कि भाई तीनों कस्तूरबा भर दो, जामिया भर दो. उसके बाद चॉइस थी समबडी, मेरे कुछ बच्चों ने अमृता ऊपर भरा, किसी ने JSS भरा, किसी ने JLN बेला का भी भरा, क्योंकि कॉस्ट भी फैक्टर होता है. और JLN में आपका काम 80 में हो रहा है, जो JSS में 90 और अमृता में तो 1-5 जा रहा है ना. तो ये कहानी है. और जो हम भी कहते हैं, जो 50 की लिस्ट में अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि भाई ये जो नीचे के 8 कॉलेज हैं, यहाँ तो अब जाओ ना जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खाली डिग्री लेके आओगे. और वो साबित भी हो गया है, जो कट ऑफें आई हैं, मतलब बिल्कुल जो जस्ट क्वालिफाइड बच्चे थे 107 मार्क्स वाले, उन्होंने भरे हैं. चाहे वो श्री बालाजी चेन्नई हो, आपका भारत मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, आपका VMK विनायक मिशन, ACS, वही जो हम हमेशा कहते हैं चेन्नई के चार छोड़ दो, और सेम पौंडेचेरी, आरुपदाई, लक्ष्मी नारायण, सत्य साई, मतलब इनकी कट ऑफ क्या बोले, बेसिकली तो ये था जिसने भी फॉर्म भरा उसको मिल गया. तो आप बिल्कुल मार्जिन कैटेगरी क्वालिफाइड थे तो भी. और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, अब इंडिया में सीट की कमी तो रह ही नहीं गई है, कोई लोग ना ये डर होते हैं सीट ही नहीं मिलेगी. आपको 108 मार्क्स पर भी सीट मिलेगी इंडिया में. ये डे वन से मैं अपने सब क्लाइंट्स को अपने सब चैनल में बोलता हूँ कि अब ना वो बात तो रह ही नहीं गई है कि सीट नहीं मिलेगी. अब जो मुद्दा है वो ये है कि क्या आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जिस कॉलेज में जाके आपका नेक्स्ट क्लियर होगा. देखिए ये सब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी ना, इनका वही फ़ायदा था, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, अपना पेपर, अपना सिलेबस, अपनी चेकिंग और पासिंग. लेकिन जहाँ बात आएगी नेक्स्ट में देने की, जो कि एक नेशनल पेपर होगा नीट की तरह, जहाँ पर ये नहीं चल पाएगा. सो पीपल हैव टू बी रियली केयरफुल, आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड टू बी केयरफुल. और इसलिए मैंने कहा कि 50 में जो एग्जैक्टली जो हम नीचे के 40 चालू हो जाए, मतलब जहाँ पर 10 लाख पार जा रहे हैं, तो मतलब एक होता रियल कट ऑफ जो हम कॉम्पिटिशन कहते हैं, जो लोगों ने लेने की कोशिश करी है, वो तो 37 पे ख़त्म हो गया है. विच इज लेट्स से संतोष, जो कि बड़ा महंगा माना जाता है, जिसमें फिर भी 7.5 लाख रैंक तक कट ऑफ गई है. उसके बाद तो भाई पौंडेचेरी के और तमिलनाडु के लाइन लगा के सारे स्टार्ट हो गए, लाइन लगा के मतलब. और गीतम देखिए नीचे आता है, गीतम इज़ एक्चुअली नॉट अ बैड कॉलेज, लेट मी ऑल्सो टेल यू. गीतम के साथ दिक्कत ये है कि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो गीतम उतना ख़राब नहीं है जितना ये बाकी सारे तमिलनाडु और पौंडेचेरी के हैं लाइन लगा के. सो गीतम उसकी लिस्ट में एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है. बट अदर देन गीतम वी आर वेरी फाइन. एंड दत्ता मागे नागपुर जैसा भी, उसने 6 लाख रैंक मांगी है, और वो डीम्ड की लिस्ट में उसका 33 नंबर है एज फार एज अगर हम कट ऑफ्स का ऑर्डर लगाएं. तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं जैसे दत्ता मागे कैसा है, तो आप समझ लीजिए बस पौंडेचेरी तमिलनाडु से ज़रा सा ही बेटर है. उसके बाद तो बेसिकली वही स्टार्ट हो जाती है तमिलनाडु और पौंडेचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़. एंड इट्स ए कंसिस्टेंट थिंग, सारी की सारी तमिलनाडु की नीचे ही हैं, और जो एका तमिलनाडु की अच्छी है, मतलब टॉप वो श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज है, वो बिल्कुल उसी कट ऑफ भी लोगों ने पसंद की है. और KS हेगड़े MGM के नंबर 15 पे उसी कट ऑफ है, और वही एक चेन्नई की एकमात्र एक जिसे कहते हैं ना बढ़िया डीम्ड यूनिवर्सिटी है, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज जो है वो है वडोदरा. SKBS सब टॉप 25 में है. और वही जो मैं कहता था बॉटम 25 की बात करें तो मोस्टली उसमें SNM के बाद, मतलब श्री रामचंद्र, आपको पता श्री रामचंद्र अलग है, SRM अलग है, बाकी सारे नीचे ही हैं. SRM तक भी ठीक ठाक है, कुछ कंपटीशन है, बट भाई ये जो मैं बार बार आपको समझाता हूँ, भारत मेडिकल, श्री बालाजी, आरुपादई, विनायक मिशन,
यू नो वेल्स, लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी, सत्य साई चेन्नई, इन सब का तो भगवान मालिक है। और क्या होगा आपका यहाँ पढ़ के, आपको बहुत सोच समझ के विचार करना है। और मैं रिपीट करता हूँ कि ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जब ऐसे ही कॉलेज में जाना है तो फिर इतना पैसा क्यों खर्च करें, वो तो फिर आपको 70-72 लाख के पैकेज में, जो मैं खुल के बोलता ही हूँ, यूपी के और हरियाणा के मिल ही जाएंगे नीचे वाले कॉलेज, तो फिर हम अगेन इतने पैसे क्यों खर्च करें। ओके, सो ये ब्रॉड थिंग है कि अभी तो फरीदाबाद ने छक्का मार दिया है पहले साल में ही, और वो इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में डीम्ड में ऑलरेडी आ गया है। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता ही हूँ कि ट्रूली डिजर्व्स, क्योंकि जो अच्छा ब्रांड होता है वो हर काम अच्छा करता है। ये एक फ़र्क होता है, मतलब मैं हमेशा आपको समझाता हूँ ना कि आई एम नॉट अ MBBS काउंसलर ओनली, मतलब GK वर्स और विवेक गुप्ता, वी आर प्राइमरली अ करियर काउंसलर। हम MBBS काउंसलिंग करते हैं, इंडिया करते हैं, अब्रॉड करते हैं, हम नॉर्मल करियर काउंसलिंग करते हैं, हम इंजीनियरिंग काउंसलिंग करते हैं, हम करियर काउंसलिंग करते हैं, हम साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। आई एज ए पर्सन आई एम ऑल्सो मैनेजमेंट कंसल्टेंट बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन बैकग्राउंड। और चूंकि मैं दुनिया को ना बहुत वाइड परस्पेक्टिव से देखता हूँ, सिर्फ MBBS के परस्पेक्टिव से नहीं, और इसलिए मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं, दुनिया में क्या चलता है। और वही साबित हुआ है इस कट ऑफ में भी कि अच्छा ब्रांड हमेशा अच्छा करता है। तो मारुति जब एक नई कार लॉन्च करता है तो वो अच्छी ही कार होगी ना, हम ये नहीं सोचते कि ये मॉडल अभी भी नया है, तो वही है राइट। तो वो पहले मॉडल, नए मॉडल की पहली कार भी अच्छी होती है, हुंडई की नई कार का पहली पीस भी अच्छा ही होगा ना। तो ये फ़र्क होता है, इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि अमिताभ फरीदाबाद ने पहले साल में ही सक्सेस क्यों मारा। अभी सिर्फ काउंसलिंग ही स्टार्ट है, मैं ये बोलता हूँ, कई जगह राउंड वन हो गए हैं, चॉइस फिलिंग्स कई जगह अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, स्पेशली कर्नाटका में। अभी भी एक राइट काउंसलिंग स्ट्रेटजी और अप्रोच के साथ आप चलेंगे तो आपको बेटर और ऑप्टिमल सीट मिलेगी, बजाय कि कोई भी सीट लेने के। और वो आप हमारे साथ चलना चाहें तो यू नो द ग्रिल, 9643362320 पे कॉल कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होता है वीडियो के, और बात कीजिए। पहली कॉल भी चार्जेबल रहती है, 2500 रुपीज़ फॉर फ़ोन कॉल, 5000 फॉर फेस टू फेस मीटिंग, एंड देन वी डिसाइड द फाइनल काउंसलिंग पैकेज लुकिंग एट योर मार्क्स एंड एवरीथिंग एल्स। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।